हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हो सभी लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, लेकिन बारिश का कुछ सीन ऐसा हो गया ना, बारिश होती है फिर उसके बाद में तुरंत बाद में धूप निकल जाती है, तो उससे गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ यही होती है, मैं ब्लॉग करता हूँ और कोई लोग मुझे देख लेता है ना, तो मुँह की तरफ देख कैसे जाती है, फिर लोग भी कहते ना ऐसे देखते हैं बेवकूफ़ है। लेकिन उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यार मेरे साथ मेरी ऑडियंस है, मेरे सब्सक्राइबर भाई है, तो यार सब्सक्राइबर भाई हो यार तुम, तो मेरी जान हो यार, तो सब्सक्राइब कर दो। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कर देना वीडियो को। हमारे घर वालों ने क्या किया ना, गलती से बाय मिस्टेक जेमी को जो हम शादी वगैरह में लड्डू बनाते हैं ना, वो लड्डू खिला दिए। अब जेमी दो तीन दिन से खाना पीना सब बंद कर रखा है, ऐसे शांति से बैठा रहता है। देखो अब देखो, शांति से बैठा है ना वहाँ पे बिल्कुल, और बारिश में भीग गया ये। तो बारिश हो ना, वो वाली बारिश मानसून है, लेकिन बारिश होती है बिल्कुल कम। अब देखो धूप भी निकल गई है, बारिश तो हुई थी कम लेकिन तेज फटाफट वाली, जैसे कि मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ ना, वो वाली बारिश हुई थी। और कल तो क्या ना, आपको पता है कि हमारे गेहूँ जो वगैरह ये नहीं होते ना, क्योंकि पानी कमी है, तो कल आ गए थे हमारे गेहूँ भी आ गए कल तकरीबन 1700 किलो, यानी 7 बोरी गेहूँ की आ गई है 2500 के भाव से, एक बोरी 2500 रुपये की, तो तकरीबन 17500 के लगभग के गेहूँ आ चुके हैं कल। सच बोल रहा हूँ यार, बहुत मेहनत से ऐसे पीछे आप में से बहुत से लोग जानते, कट्टों के दोनों मुँह को ऐसे पकड़ के और ऐसे लेके आया था। मैं ब्लॉग बना था लेकिन फिर मैंने दरअसल नहीं बनाया, चलो जाने दो यार, नहीं बनाएंगे सोच लिया। तो दोस्तों फिलहाल चलते हैं गांव की तरफ, क्योंकि गांव के लोग आपने देखते हैं, देखते रहो, आपका भाई तुम तो मेरी जान हो यार, और मैं आपका भाई हूँ यार। तो गर्मी बहुत तेज़ हो गई है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं गली क्रिकेट, गली में तो नहीं खेल रहे हैं लेकिन इसको गली क्रिकेट बोलते हैं। और यह है द किंग ऑफ लोकिया, लोकिया तो ये देखो, ये नीरा, नीरज डॉन, ये क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। और धूप निकल गई ये बारिश होने के तत्पश्चात। दोस्तों टाइम हो चुका है 7:46 और पीछे मौसम देखो, हवाएं तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है, और मौसम ऐसा कि बहुत तेज बारिश आएगी, देखो भारी बरसात आ सकती है। आपको दिखाता हूँ मैं बैक कैमरे से, भयंकर बारिश आएगी शायद आज। ये देखिए मौसम कितना भयंकर खराब हो चुका है, हवाएं चल रही है। अरे माइन बैठ जाऊं तू, तो यार दोस्तों बारिश बहुत तेज आएगी शायद, इसकी अपडेट मैं आपको कल वाले ब्लॉग में दूंगा। आज के ब्लॉग को हम कंप्लीट करते हैं, जो अपना टॉपिक है आप 10 सेकंड क्लिप देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, क्योंकि मौसम बहुत खराब है, मुझे फास्टली ब्लॉग को एंड करना पड़ेगा यार, दैट्स ऑल, समझा करो यार। गाइज आपने जो क्लिप देखी है ना, उसमें हम बोल सकते हैं यार किसी की मजबूरी, और दूसरी चीज़ होती है कि पावर। बेसिकली एक जो बाइक आती है ना, इस 100 cc की तकरीबन 100 से 110 किलो के बीच में आती है। अब देखो बंदा उसको अपने सिर के ऊपर रख रहा है, और फिर गाड़ी को सीढ़ियों से चढ़ के और बस के ऊपर रखेगा। दरअसल सीधी सी बात है यार, देखो इतनी बड़ा रिक्स, देखो हर कोई ऐसे नहीं लेगा, उसकी मजबूरी है, बोल सकते हैं हम कि इतनी मजबूरी है बाइक की कि इस कारण से इतना हार्ड वर्क कर रहा है। और दूसरी चीज़ कि पावर की बात कर सकते हैं हम कि हर कोई तो देखो ऐसा कर नहीं सकता, और हर कोई करेगा भी नहीं, जिसके वो मतलब दरअसल सीधी सी बात है कि यार मजबूरी सब कुछ कर देती है। आज सही है, कल पता नहीं कौन सा दिन आएगा, क्या होएगा अपने साथ, किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि समय वक्त वो कहते हैं ना, वो बहुत नाते हैं, वो एक सॉन्ग आपको पता है, तो समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात होती है,
तो समय हर किसी को कुछ भी क्या ही करा सकता है, लेकिन बंदे की बात माननी पड़ेगी यार। सीधी सी जो कि बाउंसर लोग या बॉक्सर लोग होते हैं जो सिर्फ इतना ही उठा पाते हैं, और इस बंदे ने कैसे भी करके चलो उठा के तो इसके ऊपर दूसरे बंदे ने रख दिया, लेकिन भाई ने उठा के सीधी बस के ऊपर रखेगा इसको, तो इसको बोल सकते हैं हम कुछ तो है ना। सबसे बड़ी तो मजबूरी है यार, देखो सबसे जाहिर सी बात है कि भाई जो कि क्या बोलते हैं इसको, नाम तो मुझे नहीं पता, वो सब कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे और ऐसा कुछ है, तो मजबूरी सबसे बड़ी चीज़ है। मैं तो ये मानता हूँ कल पता नहीं अपने साथ क्या होगा, किसी के साथ और क्या होगा, आज अच्छा है तो आज को थोड़ा ऐसा, कल कुछ भी हो सकता है। मजबूरी नहीं, देखो इतना कुछ रिक्स सबसे बड़ा रिक्स तो देखो अपना जो सिर है ना, तो एक सर्वे के अनुसार हम 100 किलो से ज़्यादा वजन अपने सिर पर नहीं उठा सकते, लेकिन भाई देखो दैट्स ऑल, मुझसे तो बाइक उठे भी नहीं, गिर लेके गिर जाऊँ तो अकेले से उठेगी भी नहीं, अगर ऐसे क्या बाइक लेके गिर जाए ना तो। चलो कोई नहीं दोस्तों, जो है देखो सबसे ये भगवान जो भी क्या है, भगवान जो भी करता है सही के लिए करता है, जल्द सब मजबूरी है यार। चलो कोई भी नहीं, आगे मेरे पास कुछ शब्द नहीं इस बारे में बोलने के लिए यार, सही बात हो तो बताऊँ। दोस्तों देखो अंधेरा हो चुका है, अभी तक 7:09 बजे, अंधेरा बहुत तेज, बारिश शायद बहुत तगड़ी आने वाली है, और मेरा फोन भी 14% पे 20% पे आ गया है, और जेमी कहाँ पे है? जेमी को तो मंदिर बांध था। जेमी चलो ठीक है, जेमी तो पहले से ही अंदर बैठा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, और अपनी गायें हैं जो गायें भी थोड़ा चारा खा रही है। और देखो मौसम बहुत ही खतरनाक वाला मौसम हो रखा है दोस्तों, रियली सच बोल रहा हूँ। शायद ये वीडियो 8 मिनट से कम का है, क्योंकि मैं फास्टली ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, और जो कल बारिश आएगी, अगर आज भयंकर बारिश आती है ना, तो कल वाले वीडियो में मैं आपको इसकी अपडेट दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तुम मेरी जान हो यार, तुम मेरे सब कुछ, मेरे भाई हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ आज काम, समझा करो। बाय बाय, अगले ब्लॉग में मिलता हूँ।